सावन का महीना चला हुआ है और आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने में जो है कांवड़ हरिद्वार से लेकर सभी जो कांवड़िए वो आते हैं और अपने अपने गंतव्य की तरफ जो है जो जहां से अपने गांव से अपने शहर से जो है कांवड़ लेने जाते हैं, तो वो शिवरात्रि के दिन जो है वहां पर गंगा जल चलाते हैं, जला अभिषेक करते हैं वहां पे। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम गोहाना में जो मौजूद हैं और यहां पर महाराजा अग्रसेन समिति के द्वारा ये 39वां जो है शिविर लगाया गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर भी 19 तारीख को जो है लगाया गया था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांवड़िए हैं उनके लिए सबसे पहले जो है दवाइयों की भी व्यवस्था जो है यहाँ समिति के द्वारा की गई है। महाराजा अग्रसेन सेवा समिति जो है लगातार कांवड़ शिविर जो है लगा रही है और ये 39वां कांवड़ शिविर आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है कांवड़ियों के लिए जो है आप देख सकते हैं दवाइयाँ जो है वो रखी गई हैं, उनको जो भी कोई चोट लग जाती है या कोई जख्म हो जाता है या किसी तरह की पेन किलर है तो सभी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर का एक प्रारूप यहाँ पर तैयार किया गया है। यहाँ पर भी जो है अपना जो शिव भगत यहाँ आते हैं वो अपना मत्था टेकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कूलर के सभी का अच्छी तरह से इंतजाम किया गया है और उसके बाद जो है ये इधर से जो है ठहरने के लिए आराम करने के लिए जो है इधर व्यवस्था की गई है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ये इस तरफ स्टॉल लगाई गई है यहाँ पर जो है प्रसाद चाय और फ्रूट जो है सभी यहाँ पर रखे गए हैं। और इसके साथ जो है आगे ये है जलजीरा जो है यहाँ पर आगे रखा गया है और उसके बाद जो है यहाँ पर टिक्की और इसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो है वहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो महाराजा जो अग्रसेन सेवा समिति है लगातार 39वां ये कांवड़ शिविर जो है लगाया गया है हर साल, तो साल में दो बार जो है ये शिविर लगाते हैं। और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि लास्ट में जो है यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है जितने भी कांवड़िए यहाँ पर आते हैं उनके लिए और वहाँ पर जो है स्नान की व्यवस्था भी कांवड़ियों के लिए की गई है। तो समिति से ही हमारे साथ मौजूद भी हैं ओम प्रकाश गोयल जी हैं। गोयल साहब, ये 39वां कांवड़ शिविर है? जी हाँ, ये महाराजा अग्रसेन सेवा समिति द्वारा 39वां कांवड़ शिविर आयोजित किया जा रहा है जिसके अंदर शुद्ध देसी घी के भोजन की व्यवस्था है और कांवड़िए भाइयों को ठहरने की, नहाने की, सोने की, दवाइयों की, किसी कांवड़िए भाई को यदि और भी कोई ज़्यादा परेशानी है तो चाहे उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़े, समिति अपनी तरफ से उसको ले जाकर के उसका इलाज करवाने का प्रबंध है समिति की तरफ से। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि आप जो है ये 39वां कांवड़ शिविर आपका आ गया है तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? जब ये कांवड़ आनी शुरू हुई हरिद्वार से, एक समय होता है किसी न किसी चीज़ का, जैसे जैसे संख्या कांवड़िए भाइयों की आती हुई बढ़ती गई, लोगों ने, समाज ने ये महसूस किया कि इनकी सेवा के लिए कोई ना कोई प्रबंध होना चाहिए। तो हम कुछ साथियों ने मिलकर के एक टीम बनाई और एक समिति का गठन किया और उसके माध्यम से छोटे से भंडारे के रूप में इसको शुरू करके आज इस भंडारे ने विशाल रूप धारण कर लिया है और ये सभी कांवड़िए भाई आज इस स्तर पर पहुंच गया है ये भंडारा कि लोग हरिद्वार से चलते हैं तो वो एकमात्र उद्देश्य ये लेकर के चलते हैं, अगर पानीपत में रुकेंगे तो वहाँ पर, गोहाना में रुकेंगे तो महाराजा अग्रसेन सेवा समिति के भंडारे में। तो क्या मानते हैं कि किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं, जैसे 39वां शिविर आपका ये हो गया है, कैसा लगता है? बड़ी आत्मा को शांति मिलती है, खुशी होती है, क्योंकि जितने कांवड़िए भाई आते हैं वो दिल से दुआ भी दे के जाते हैं और वो जब उनको यहाँ पर आकर के आराम मिलता है तो हमें भी सुकून मिलता है कि कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्य को ठीक पालन कर रहे हैं, कर्तव्य का, ताकि उन भाइयों की सेवा होती है और वो खुश चेहरे पे उनके खुशी नज़र आती है। इस तरह से देख रेख की जाती है इस पूरे जो पंडाल आपने लगाया है? शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति, इवन देन चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, आप देखना यहाँ आकर के खुद सेवा करते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और कांवड़िए भाइयों की मालिश तक करते हैं हाथों से, मेहंदी लगाते हैं अपने आप खुद लग करके। इस प्रकार से जिस आदमी का जितना जो सहयोग हो सकता है, हर कार्यकर्ता, हर शहर का गणमान्य व्यक्ति, हर सामाजिक आदमी यहाँ आकर के इनकी सेवा करता है। जी क्या कहेंगे सर, क्या व्यवस्था यहाँ पर है और किस तरह से इसको चला रहे हैं? यहाँ पर जो है नहाने की, धोने की, टॉयलेट की, लेटरिन बाथरूम की, दवाइयों की, हर तरह की व्यवस्था हमारी समिति ने की हुई है
और जितना भी हमारी समिति मैक्सिमम काम कर सकती है कावड़ भाइयों के लिए वो काम करती है। हर प्रकार का भोजन यहाँ पर बनता है खाने पीने के लिए, सारा शुद्ध विदेशी घी का भोजन बनता है और रोज का नया मीनू, यानी कि एक भोजन सवेरे बन गया मतलब सवेरे दाल बनेगी तो शाम को भी दाल बनेगी, ये नहीं है। यहाँ पर रोजाना सुबह शाम जो है अलग अलग तरह की सब्जियाँ बनती हैं। देखो रोटी पूरी तो बनेगी उनके लिए, लेकिन सब्जियाँ मीठा रोजाना सुबह शाम अलग अलग बनाया जाता है कावड़ भाइयों के लिए। तो गोहाना शहर का किस तरह का सहयोग आपको मिला? ऐसा है कि हमारी समिति डोर टू डोर कोई कलेक्शन नहीं करती, सिर्फ जो है शहर वालों को गणमान्य व्यक्ति को इनवाइट करती है अपने भंडारे में आने के लिए, उनको जाकर के हम कार्ड छपवा करके कार्ड देते हैं और अपनी एडवर्टाइजमेंट के हम बोर्ड वगैरह लगाते हैं, समझे ना जी। उनसे जो यहाँ पर आता है हम उसका चंदा यहाँ पर लेते हैं, अन्य जो है वहाँ पर डोर टू डोर कोई कलेक्शन नहीं करते। कैसा आपको अनुभव हुआ, आप कैसा फील कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है जब शहर के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आते हैं और हमारे को देख करके, हमारे कावड़ भंडारे को देख करके बहुत ही मतलब कि आनंद महसूस करते हैं कि वाकई इन लोगों ने कावड़ों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। आप कितने समय से जुड़े हुए हैं? हम तकरीबन ये सोच लो कि मैं यहाँ पर जो है कम से कम 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 15 साल से आप लगातार सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल। ये हमने आपको दिखाया कि जो महाराजा अग्रसेन सेवा समिति है वो लगातार पिछले जो है 39वां ये शिविर उनका है, तो काफ़ी लंबे समय से लगातार कावड़ शिविर जो है लगाए जा रहे हैं। कावड़ियों की जहाँ यहाँ पर पूरी जो है व्यवस्था जो उनके ठहरने के लिए, उनको आराम करने के लिए की गई है। अब हम कावड़ियों से भी आपको रूबरू करवाएंगे कि तो कावड़िया भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हरिद्वार से आए हैं और अब जो है गोहाना पहुँच चुके हैं। महाराजा अग्रसेन सेवा समिति की तरफ से ये शिविर लगाया गया है, तो कौन सी जगह से आए हो बोले? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, धनंदा गांव। अच्छा, कब चले थे हरिद्वार से? 15 तारीख को। तो आज गोहाना पहुंच गया आप? हाँ जी। तो यहाँ आप किस टाइम पहुँचे गोहाना में? गोहाना अभी पहुँचे हैं। हाँ। तो यहाँ शिविर में अभी आए हो आप? हाँ जी। तो यहाँ की कुछ व्यवस्था का पता चला, क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था अच्छी, बढ़िया व्यवस्था। खाने पीने का कुछ मिला आपको? हाँ जी, पानी मिला है और ये फ्रूट मिले। अच्छा अच्छा, अभी आए हो आप? हाँ जी। अच्छा, तो कब पहुँच जाओगे महेंद्रगढ़? महेंद्रगढ़ हम 23 तारीख को पहुँच जाएंगे। 23 तारीख को बागेश्वर धाम। तो कैसी रही आपकी यात्रा जो है? बहुत अच्छी रही। कैसा रास्ते में सफर था, जो मौसम कैसा था? मौसम कभी ठंडा भी हो जाता था, कभी गर्म भी। गर्मी। तो कितना जो है आपको लगा कि भाई कष्ट हुआ आपको? कष्ट ज्यादा नहीं हुआ, बोले की कृपा से सब ठीक। अच्छा, आप बोले कौन सी जगह से आए? वहीं से आए दोनों, महेंद्रगढ़ से ही। हाँ जी। साथ में चले थे? साथ में चले थे। 15 तारीख को? 15 तारीख को। तो अभी गोहाना पहुँच गया? हाँ जी।